सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सक्सेस गेमर। एंड आ चुका हूँ एक और नई और कमाल की फ्रेश वीडियो लेकर आपके साथ। सो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे M500 वर्सेज डेजर्ट ईगल। सो कौन सी गन बेस्ट है हेडशॉट के लिए, एंड दोनों की हेडशॉट ट्रिक बताऊंगा, वन टेप हेडशॉट ट्रिक। एंड वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड जो भी वीडियो में बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री है, मैं भी खुद यूज़ करता हूँ। एंड वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आज तक शायद ही किसी ने ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताई होगी। तो वीडियो को पूरा देखना। M500 कौन सी गन अच्छी है, वन टेप हेडशॉट की, किससे जल्दी लगता है, सबसे जल्दी हेड लगता है। हाँ, बात करें डैमेज की, वो सब चेंजेज है, लेकिन सबसे अच्छा हेड किससे लगता है। सो सबसे पहले गाइस बता दूँ कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका गाइस ID 65 लेवल होने वाला था, उसका ID गाइस लॉक हो गया है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, वो फ्री फायर छोड़कर जाने वाला था कि मेरे को अब कुछ रहना ही नहीं, मेरा बचा ही क्या यूट्यूब में और फ्री फायर में। मेरा 65 लेवल ID चला गया एंड 8000 प्लस लाइक थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। सो गाइज ये है ID, देख सकते हो 65 लेवल होने वाला था, 8.1 के प्लस लाइक से, एंड सारे इलाइट पास लगभग ले रखे हैं दो को छोड़कर। तो देखो गाइज कितना अच्छा एंड कितना रियर, एंड सबके इसके पास बहुत अच्छे से बंडल्स भी थे, लगभग 20,000 का इसने कलेक्शन बनाया था खर्च करके। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि भाई मत जा यार, वापस आ जा, कुछ नई ID का जुगाड़ कर लेंगे। तो गाइज उसको अगर आप चाहते हो कि सपोर्ट करें, तो गाइज मैंने उसके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी है, प्लीज़ गाइज चैनल को उसके सब्सक्राइब करना यार। एक बार अगर बन के हो गए तो शायद ही वो आ जाए वापस लौट कर, अभी वो रेगुलर नहीं है। उसने एक वीडियो डाला था कल कि मैं फ्री फायर छोड़कर जा रहा हूँ, देख लो गाइज, अगर वीडियो नहीं डाला उसके लिए मैंने वही लिंक है गाइज। तो गाइज कसम से यार वो बंदा इतना डिमोटिवेट हो चुका है, उसके साथ बहुत गलत हुआ गाइज। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसके चैनल को सब्सक्राइब करना यार, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी सेट करना, उसके वीडियो देखना, फुल्ली सपोर्ट करना गाइज उसको। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे दिल से खुशी होगी कि आप गाइज सपोर्ट करते हो, आप लोगों के लिए अपना प्यार जताते हो। तो अभी बढ़ते हैं गाइज वीडियो की तरफ। गाइज प्लीज़ प्लीज़ उसके चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना एक बार, ठीक है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, पहला ही वीडियो कर लेंगे आपको मिल जाएगा यार। बंदा अगर वापस आता है तो क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, चाहो फटाफट सब्सक्राइब करो। एंड अब बात करते हैं गाइज अपने वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं गाइज टिप नंबर वन है बॉडी डैमेज प्लस हेडशॉट डैमेज। सो बात करें डेजर्ट ईगल का, तो डेजर्ट ईगल का 495 हेडशॉट डैमेज है, एंड बॉडी डैमेज 90 का है विदाउट वेस्ट एंड हेलमेट, ठीक है। बात करें गाइज M500 का, तो 45 या 36 का है बॉडी डैमेज M500, हेडशॉट है 247 का। सो सबसे अच्छी गन कौन सी है इसमें से गाइज, देखो बात करें डेजर्ट ईगल की, तो डेजर्ट ईगल अच्छी गन है, एक शॉर्ट रेंज में 300 में बंदा खत्म हो जाता है अगर उसके पास वेस्ट हेलमेट नहीं है। लेकिन M500 की बात करें तो उतना अच्छा नहीं है, एक पिस्टल के नाम से आप मान सकते हो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज हेडशॉट की ट्रिक, बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो डिसएडवांटेज है वो बता देता हूँ। डेजर्ट ईगल की बात करें तो गाइज M500 से डेजर्ट ईगल में हेडशॉट बहुत ही थोड़ा क्रिटिकल है, M500 में आसानी से ऐड लग जाता है, बल्कि बात करें डेजर्ट ईगल की तो थोड़ा मुश्किल से लगता है, ठीक है। अगर बंदा पास में है ठीक है, अगर थोड़ा मिड रेंज से थोड़ा दूर है तो गाइज उसको हेड मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ खुद पर्सनली। एंड M500 की बात करें तो गाइज कहीं पर भी कैसे भी हेड मार सकते हैं, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ ऑल गाइज क्लैश स्क्वाड में हम खेलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइज इसका पॉइंट नंबर टू है कि कैसे आपको ड्रैग करना है, किस टाइप से मारना है वन टेप हेडशॉट। सो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको वीडियो को ध्यान से अभी यहीं से देखना है, ठीक है गाइज। सो गाइज पहले कुछ मेरे हेडशॉट है वो देख लो कि मैं कैसे मार रहा हूँ। देखो गाइज विदाउट एकदम गाइज मिस नहीं हो रहा है, डायरेक्ट गोली हेड पर लग रही है, तो ये कोई हैकर तो है नहीं गई, ये एक स्किल्स है, ठीक है, स्किल है। देखो यहाँ पर मारा इनहेलर खाते खाते हेड मार दिया, अब यहाँ पर एकदम 180 घूमकर इसको हेड मार दिया, यहाँ पर भी हेड मारा गाइज, पहले शॉट हेड ही पर लगता है। देखो गाइज आप बात करते हैं M500, तो M500 देखो यहाँ पर बंदा जा रहा है, पहला नहीं लगा, बैठ कर खड़ा हुआ हेड लग गया, एंड यहाँ पर सामने बंदा एक नहीं लगा, दूसरा लगा हेड शॉट, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइज फर्स्ट शॉट हेड लगेगा, देखना सामने बंदा है, देखा बंदा, हेड एम किया और हेड शॉट। तो अभी कैसे मारता हूँ, अब बात करते हैं कि ये कैसे मारता हूँ हेड। देखो गाइज यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं जा रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, मेरे को पता नहीं एक बंदा इधर है, देखो बंदा आया, बंदे को देखा मैंने, तो अब वो मेरी तरफ भाग रहा है, तो मैंने अपने फायर बैंड को राइट से ऊपर किया, कैसे किया मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, देखो एरो दिखाता हूँ आप उसके हिसाब से आप कीजिएगा। फायर बैंड को राइट से एकदम राइट में लेकर जाकर आपको ऊपर नहीं करना है, थोड़ा एकदम नीचे की तरफ खींचना है, फिर राइट से ऊपर लेकर जाना। देखो यहाँ पर मैंने किया, एक बार नहीं लगा, मिस हो गया, तो दूसरी बार देखो गाइज मैंने फायर बैंड को राइट से नीचे लेकर ऊपर किया, देखो नीचे करके ऊपर गया तो डायरेक्ट हेड लग गया। ये है गाइज हेडशॉट का सीक्रेट, सभी बंदे हेड ऐसे ही मारते हैं। यहाँ पर देखो गाइज, अब यहाँ पर देखना कि गाइज मेरे को पता नहीं कि बंदा कहाँ पर है, तो मैंने बंदा को देखा, देखो इनहेलर खा रहा हूँ, बंदे को देखा, जैसे ही रिस्पॉन हुआ फायरमैन को तुरंत गाइज राइट से नीचे करके ऊपर किया, देखो
ऐड लग गया आराम से गाइस, एकदम सिंपल है, बिल्कुल हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको स्लो मोशन में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर भी बंदा है, यहाँ पर मेरे को पता नहीं कौन सा बंदा किधर है। यहाँ पर घुमा बनाटे दिख रही, फायर विंड को देखो राइट से एकदम नीचे लेकर राइट से ऊपर किया, मतलब राइट से एकदम राइट में नहीं लेकर जाना है, नीचे करके थोड़ा सा राइट लिखना है, एक सेंट मतलब एक सेमी 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 वो बोलते 0.11 सेमी। और कभी कभी अगर बंदा आपकी तरफ स्ट्रेट आ रहा है, एकदम सीधा आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट एकदम फायर विंड को झटके से ऊपर लेकर जाना। देखो यहाँ पर मैंने नीचे से ऊपर किया, तो गाइस जितने भी मैं हेड मार रहा हूँ सारे अपने फायर विंड को नीचे से ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो इसको करने के लिए गाइस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, राइट से ऊपर ले जाना, राइट से ऊपर ले जाना, हर बार यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस M500 की। सो गाइस M500 रैंक में एंड सभी जगह मौजूद है, तो इससे गाइस हेड आप आसानी से मार सकते हो, मतलब मार तो सकते हो, सिंपल है, लेकिन डीजल डीजल से थोड़ा मुश्किल से लगा। देखो यहाँ पर भी मैंने फायर बटन को, गाइस मेरे फायर बटन को आप देखो, आपकी एक बार मतलब हैबिट बन गई कि मेरे को फायर बटन राइट से ऊपर ही करना है शॉटगन, और इसके लिए तो आप आसानी से मार पाओगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आने वाला है अपने का लाइक M3K, अगर 3K लाइक कंप्लीट होता है तो हैंड कैम के साथ मैं M1014 और M1887 प्लस स्पास का 1 टेप हेडशॉट लाऊंगा हैंड कैम के साथ, ठीक है गाइस। हैंड कैम समझ रहे हो ना, एकदम मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा दूसरे मोबाइल से। तो 3K लाइक कंप्लीट चाहिए मुझे 24 आवर्स में, तो फटाफट लाइक कर दो, लाइक नहीं किया। देखो यहाँ पर भी मेरे फायर बटन को देखो, बंदे को देखा, बंदे के ऊपर एम लेकर गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एक चीज़ पॉइंट नंबर 4 ये है हमारा कि जब भी आप फायर पर क्लिक करते हो अपने जॉयस्टिक बटन को छोड़ दो। लाइक यहाँ पर देखो मैंने जॉयस्टिक को छोड़ दिया, अब और भी दिखाता हूँ जॉयस्टिक बटन कौन सा, मैं आपको दिखा देता। सो गाइस यहाँ पर देखना कि जब भी मैं बंदे को मारूंगा, देखो जब भी मैं बंदे को किल करूंगा, देखो मेरे जॉयस्टिक बटन अभी घूम रहा है, जैसे ही मैंने जॉयस्टिक बटन छोड़कर उसको मारा, तो अगर आप जॉयस्टिक बटन से मूव कर रहे होंगे तो आपका हेड नहीं लगेगा गाइस, ये कन्फर्म है। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है जो लोगों को मतलब यूज़ करते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता। यहाँ पर भी देखो गाइस जॉयस्टिक बटन अभी भी मेरे हाथ में पड़ा हुआ, ये छोड़ा जॉयस्टिक बटन, तुरंत मैंने नीचे करके ऊपर किया फायर बटन राइट से, एंड हेड लग गया। तो ये है गाइस सीक्रेट कि आपका हेड क्यों नहीं लगता। आपका हेड इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप गाइस जॉयस्टिक बटन को छोड़ते नहीं हो, जॉयस्टिक बटन को घूम कर रखते हो, या फिर आप डायरेक्ट स्प्रिंटिंग करके भी हेड मार सकते हो गाइस, ठीक है। यही गाइस सबसे बड़ी गलती करते हैं जो लोगों का हेड नहीं लगता है, ठीक है। आप बोलते हो हेड नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो जब भी आप बंदे को 1 टैप मारो अपना जॉयस्टिक बटन को छोड़ दो गाइस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सो यहाँ पर भी देखो मैंने जॉयस्टिक बटन को छोड़कर ही बंदे को किल किया। तो उम्मीद है कि गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड गाइस प्लीज़ यार आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करना यार, अगर उसको फ्री फायर वापस लाना मैं चाहता हूँ आप करो यार,